नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज हाजिर हो गया हूं फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा जो हमें वाटर टैक्स दिया जाता है, हम उसे किस प्रकार से अपने मोबाइल से ही जमा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ब्राउज़र में ई नगर पालिका लिखकर सर्च करना है। जैसे ही हम सर्च करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लिंक ओपन हो जाते हैं। हमें इस पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही हम इस पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो है ई नगर पालिका मतलब कि नगर निगम की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाती है। हमें क्विक सर्विस ये वाला जो टैब है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं क्विक सर्विस, इस वाले टैब के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये वाटर बिल पेमेंट ये वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो आइए दोस्तों, हम जाकर वाटर बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वाटर बिल पेमेंट वाले टैब पर क्लिक करते हैं, आप यहां देख सकते हैं क्विक पे नीचे दिखलाई दे रहा है, यहां यूएलबी नेम, यहां हमें अपने शहर का चयन कर लेना है और नीचे टैक्स आईडी, हमें टैक्स आईडी का यहाँ पर चयन कर लेना है। तो यहाँ हम जैसे जबलपुर सिटी से हैं तो यहाँ हम जबलपुर सिटी टाइप कर ले रहे हैं। यहाँ हम अपनी वाटर टैक्स आईडी डालनी है। तो यह आपको कहाँ मिलेगी, यह है यहाँ आप देख सकते हैं नगर निगम की रसीद है। इसमें आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको दिखलाई देगा कस्टमर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर के सामने ही जो है आपको कस्टमर आईडी यहाँ दिखलाई दे रही है। यही वाली जो कस्टमर आईडी है आपको वहाँ पर डाल देनी है। तो आइए हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यह सबमिट बटन के ऊपर हमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हमारे रसीद के द्वारा डिटेल दिखलाई देने लगी है, नाम दिखलाई देने लगा है। ये आप देख सकते हैं उपभोक्ता का जो है हमें नाम यहाँ पर दिखलाई देने लगा है और कस्टमर नंबर दिखलाई देने लगा है। अब हमें एक बार इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे वाटर टैक्स से संबंधित सारी जानकारी दिखलाई देने लगी है, यहाँ हमें नाम दिखलाई देने लगा है, सारी जानकारी दिख रही है। अब हम देखना चाहेंगे हमारा वाटर टैक्स कितना आया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ दिखलाई देगा, आप देख सकते हैं अमाउंट टू पे, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो भी वाटर टैक्स है यहाँ हमें दिखलाई दे रहा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 2040 रुपये हमें यहाँ पे दिखलाई दे रहा है। तो इससे हम चाहें तो अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल से ही घर बैठे जो है बहुत ही आसानी के साथ जमा कर सकते हैं। इसे जमा करने के लिए पे ऑनलाइन ये वाले बटन के ऊपर हमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पे ऑनलाइन बटन पर क्लिक करते हैं, हमें अगला पेज कुछ इस प्रकार से दिखलाई देता है। यहाँ हमें कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट ये वाले बटन के ऊपर हमें एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास थोड़ी ही देर में एक नया पेज जो है खुलकर आ जाता है। यहाँ हमें पेमेंट की डिटेल के लिए एक्सिस बैंक का जो है ऑफिशियल पेज खुल के आ जाता है। मान लो आपके पास एक्सिस बैंक नहीं है तो आपको यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन टिक कर देना है और उसके बाद आपको ये अदर बैंक वाला जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, ये वाला अदर बैंक, इसे आपको ले लेना है और अपने बैंक का नाम जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम अदर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो है और भी दूसरे बैंकों के नाम यहाँ दिखलाई देने लगते हैं। जैसे अब मेरे पास जो है SBI का इंटरनेट बैंकिंग है, तो मैं यहाँ पर SBI भारतीय स्टेट बैंक वाला जो है बैंक का चयन करने जा रहा हूँ। इसके बाद मेक पेमेंट ये वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। थोड़ी ही देर बाद जो है स्टेट बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का जो है ऑफिशियल पेज यहाँ पर खुल के आ जाता है। यहाँ हमें अपने इंटरनेट बैंकिंग की जो है यूज़र आईडी टाइप कर देनी है और नीचे जो भी हमारा पासवर्ड है वह यहाँ पर हमें डाल देना है। और आईडी और पासवर्ड डाल देने के बाद हमें लॉगिन बटन, आप ये नीचे देख सकते हैं, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमें डिटेल दिखलाई देने लगती है हमारे पेमेंट की। उसके बाद जो है हमें नीचे की तरफ कन्फर्म बटन, इस वाले बटन के ऊपर एक बार और क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP हमें प्राप्त हो जाता है। वह OTP हमें यहां पर जो है डाल देना है
OTP डाल देने के बाद कंफर्म बटन, ये वाला बटन है, इस पर एक बार और क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेना है, हम फिर से नगर पालिका की ऑफिशियल वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हमें यहाँ इंतज़ार कर लेना है, यहाँ हमें किसी भी तरह का बैक या फिर पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ जितना भी देर लगता है हमें खाली इंतज़ार करना है। ऑटोमेटिक जो है हम फिर से दोबारा ई नगर पालिका की वेबसाइट पर यहाँ से पहुँच जाएंगे। अब जो है हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ हमें प्रिंट रिसिप्ट, मतलब जो भी हमने अपनी वाटर टैक्स की पेमेंट की है उसका जो है हम यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रिंट रिसिप्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे मोबाइल और कंप्यूटर में जो है इसका PDF डाउनलोड हो जाता है। इसका चाहे तो हम खोल कर प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि आप किस प्रकार से अपना जो है नगर निगम के द्वारा जो जल कनेक्शन आपके यहाँ लगा हुआ है उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, परिचितों में शेयर करें, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सकें। और आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें।